जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है सीएजी के ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके प्रीवियस वीडियो में इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, किस प्रकार से कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किस प्रकार से जो है आर्टिकल 148 के तहत इनकी जो है पूरी के पूरे इनके ऑफिस के अपॉइंटमेंट कंपोजिशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इनकी स्वायत्तता, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन है, और किस प्रकार से संविधान में इसे बल्वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है कहा गया है। ठीक उसी प्रकार आप, यह एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है यह तो हमने जान लिया, लेकिन किस प्रकार से इन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया गया है ताकि यह फ्री एंड फेयर, कह सकते हैं एकदम निष्पक्ष रूप से, बिना किसी डर एंड भय के, जो है विदाउट एनी फियर एंड फेवर, यह काम कर सके, इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो है बिंदुओं के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स में यहाँ बेसिकली हम लोग 6 पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे कि ये प्रावधान, ठीक है, जो संविधान में दिया गया है ताकि इनकी ऑफिस जो है एकदम स्वतंत्र रूप से बिना किसी सरकारी प्रभाव के, हस्तक्षेप के, या कार्य करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीएजी। संविधान के द्वारा इन्हें सेफ गार्ड मिला है, इन्हें एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया गया है ताकि यह पूरी की पूरी तरह से इनकी स्वायत्तता, इनकी निष्पक्षता, इनकी स्वतंत्रता बरकरार रखा जा सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। देखो, कोई भी व्यक्ति को अगर आप यह सिक्योर नहीं करेंगे, कोई भी जॉब कर रहा हो, कहीं भी वो कार्य कर रहा हो, अगर उसे यह कह सकते हैं एक प्रकार से कह नहीं देंगे कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, आपको कभी भी आपके जॉब से हटाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जब तक आपके फेवर में काम करता रहे, जब तक आप तक कह सकते हैं कि आपके पक्ष में फैसला सुनाते रहे, तब तक आप जैसे जज हैं। तो न्याय व्यवस्था में क्या है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारा जजमेंट सरकार के पक्ष में ही आता है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आता है, जो कि सरकार के नियमों जो बनाए जाते हैं उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। अगर इन द ग्राउंड ऑफ इफ एनी लॉ और एनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट और एनी प्रोग्राम एनी स्कीम विच इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट एंड इफ इट ट्राई टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट एंड इफ इट ट्राई टू वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑन दैट ग्राउंड द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्रक दैट लॉ विच इज इवन द पार्लियामेंट कह सकते हैं विच इज इवन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा जो है पार्लियामेंट और संसद के द्वारा भी जो नियम पारित किया गया है और वह अगर किसी भी जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इस परिस्थिति में उस लॉ को जो है कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से उसको, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है। अब है कि अगर सरकार कहे कि भाई आपने हमारे नियम कानून, हमारे पॉलिसी को आपने स्ट्रक डाउन क्यों कर दिया, हम आपको हटा देते हैं या हम आपकी सैलरी कट कर लेते हैं, आपको हम जो कह सकते हैं कि 65 ईयर तक आपका टेन्योर है उससे हम पहले ही आपको रिमूव कर देते हैं, नहीं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। और ठीक उसी वही जो है प्रावधान सीएजी के, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के जो हेड होते हैं, इनकी जो ऑफिस के मेंबर होते हैं, उन्हें भी एक प्रकार से सिक्योरिटी और टेन्योर प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपको 6 सालों के लिए आपकी नियुक्ति की गई है तो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी, अदर देन मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी यू कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम योर ओन ऑफिस। तो एक प्रकार के सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आता है तब लोग बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, एकदम निष्पक्ष होकर जो है अपने कार्य को स्वतंत्र पूर्वक करते हैं। स्टैट क्लियर, तो वही है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। पहले टेन्योर की सुरक्षा दी गई कि जैसे 65 ईयर तक इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 65 ईयर कंप्लीट होगा तो उन्हें जो है सेवानिवृत्त होना होगा, 65 ईयर तक यह कार्य कर सकते हैं, ऐसा संविधान में दिया गया है। और साथ साथ 6 सालों के लिए, अगर कोई व्यक्ति 55 ईयर में ही अपॉइंट हो जाते हैं तो 6 सालों के लिए ही वह सीएजी के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो जो संविधान में लिखा गया उस अनुसार ठीक है, 6 साल तक इन्हें कोई नहीं इनके पद से हटा सकता है, सिर्फ 2 ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, एक है मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और हटाने का वही प्रावधान है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का है कि मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ, कह सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है रिजोल्यूशन पारित करना होगा, एक प्रकार से इम्पीचमेंट मोशन भी कह सकते हैं, तभी इन्हें रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज
इन्हें इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। तो सिक्योरिटी ऑब्टेनर है, और दूसरा है कि रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के होता है, तो इनकी रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान में मैंने बताया कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो इन्हें हटाया जा सकता है, या वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी आसान नहीं होता इन्हें हटाना। ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और एक बार प्रेसिडेंट इन्हें नियुक्त कर देते हैं तब ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये ऑफिस होल्ड नहीं करते। ऑल दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यह सही है, लेकिन एक बार जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इतना आसान नहीं होता है इन्हें इनके पद से बर्खास्त करना। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है सबसे पहला कह सकते हैं ना कि वह पॉइंट है, वह बिंदु है जो इन्हें प्रोवाइड कराया गया है, और ताकि यह पूरी की पूरी स्वतंत्रता के साथ जो है अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। दूसरा है नॉट एलिजिबल टू फर्दर ऑफिस, साथ साथ वन टर्म ऑफिस है। जैसे देखो अमेरिका के राष्ट्रपति को दो टर्म से अधिक नहीं मिलता, जैसे ओबामा साहब दो टर्म चुने गए राष्ट्रपति, उसके बाद वो नहीं बन सकते, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इनके लिए एक टर्म फिक्स किया गया है संविधान में कि आपको बस एक ही बार मौका मिलेगा, ठीक है, सीएजी के ऑफिस संभालने के लिए 6 सालों तक और 65 ईयर तक। आपको रीअपॉइंट इसमें नहीं किया जा सकता, वह इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति पूरी निष्पक्षता के साथ काम करे और कोई सरकार का फेवर ना ले, ताकि उसे फिर से रीअपॉइंट किया जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति, देखो स्वार्थ, कुछ स्वार्थ भी होता है, ये तो कितना भी आप मतलब कह सकते हैं कि महान व्यक्ति हो, लेकिन कुछ का तो स्वार्थ होता ही है, चाहे आपकी महानता ही आपके स्वार्थ क्यों ना हो। आपको पद और प्रतिष्ठा कह सकते हैं, भले पैसा का लालच ना लो, हो सकता है पद और प्रतिष्ठा की लालच हो सकता है आपको एक अपना स्वाभिमान का लालच हो, मतलब स्वार्थ बहुत तरह के हो सकते हैं। तो आपको दूसरा टर्म अलाउट नहीं किया जाएगा, इसलिए एक ही टर्म के लिए ऑफिस में नियुक्त किए जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सरकार के फेवर में रहते हैं, देखोगे आप बहुत सारे ऐसे अधिकारी वगैरह हैं जो कि सरकार के फेवर में, सरकार के पक्ष में बहुत बोलते हैं, बहुत कार्य करते हैं ताकि सरकार से आने वाले समय में उन्हें टिकट मिल सके, ठीक है। तो इसकी बहुत लोग ऐसे भी होते हैं सरकार के, जो बहुत लोग जिसे टर्म डिफाइन करते हो चमचा, कि ताकि उन्हें कोई और अच्छा ओहदा पद मिल सके, नहीं। एक बार जब आपने ऑफिस इसमें ज्वाइन कर लिया, सिंगल टर्म 6 साल के लिए आपकी नियुक्ति होगी, और फिर किसी भी पद पे जो है नियुक्त होने के लिए एलिजिबल नहीं रहे। आगे है सैलरी एंड सर्विस कंडीशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, और जो इनकी सैलरी है, तनख्वाह है, और पूरी की पूरी जो सर्विस कंडीशन है, तनख्वाह के साथ बहुत कुछ मिलता है, अलायंसेस, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी हो, ठीक है, पर्क्स एंड प्रिविलेज, पूरे के पूरे राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें निर्धारित किया जाता है, एंड इक्वल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके समकक्ष और बराबर का जो है इन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेज मिलता है। नथिंग कैन बी अल्टर्ड फॉर हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, और एक बार जब नियुक्ति पत्र इन्हें दे दिया जाता है सील और मोहर मार के, तो जो उसमें निर्धारित कर दिया गया है उसे वो कभी भी उसे कटौती नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि सरकार के ये जो ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, जनता को बताया गया है, हो सकता है उससे भिन्न हो। कई बार देखते हो अपोजिशन मेंबर जो है सीएजी के रिपोर्ट को जो है उछाल कर जो है सरकार पर आरोप लगाती है कि देखो सीएजी के रिपोर्ट में ये आया है, आप तो ये कह रहे थे, कुछ आंकड़ा वगैरह, कुछ डाटा वगैरह, कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ठीक है। तो इनकी स्वायत्तता कैसे स्थापित होगी? वो तभी स्थापित हो पाएगी जब कोई भी सरकार किसी भी परिस्थिति में इनके सैलरी और अलायंसेस को कट नहीं कर सकता है। इन्हें ये फिक्स है कि भाई हम एकदम निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि संविधान में तो ये प्रावधान दिया गया है कि जो हमारा दायित्व है, जो फंक्शंस है ऑडिटिंग का, उसे हम करेंगे, और तुम हमारी सैलरी भी नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये सब ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। आगे है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। देखो अब एक व्यक्ति जो सीएजी होते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल पूरे के पूरे जो है इस ऑफिस के हेड होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऑडिटिंग करेगा ये संभव भी नहीं है, और पूरे के पूरे सेंटर और इतने राज्य हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसके साथ साथ बहुत इनके असिस्टिंग जो मेंबर होते हैं या इनके स्टाफ भी होते हैं, ठीक है, हर ऑफिस में स्टाफ होता है, ठीक है।
तो जो भी इनके ऑफिस में, सीएजी के ऑफिस में जितने भी स्टाफ वगैरह होंगे, जितने भी अदर कर्मचारी होंगे अपार्ट फ्रॉम दी सीएजी, उनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सर्विस और कंडीशन जो है पूरे के पूरे जो है वह प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वह सीएजी के मतलब हेड से जो है सलाह मशवरा करके, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी। पांचवा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस। और इनके कोई भी ऑफिस को रन करने के लिए, कोई भी देखो घर चलाते हैं तो घर में भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है, ग्रोसरी खरीदने के लिए, फूड आर्टिकल खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और बहुत सारे इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ हम सेविंग भी करते हैं, इज दैट क्लियर। सरकार जो है पूरे के पूरे साल में बजट लाती है ताकि देश चल सके। तो कोई भी ऑफिस, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए वी नीड सम बजटरी, कह सकते हैं हमें कुछ बजट रहेगा हमारे पास मॉनेटरी फॉर्म में, तभी हम रन कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार सीएजी को और इस ऑफिस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्च होते हैं, सैलरी अलाइंसेस पेंसेस वगैरह, ये सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किन चीज़ को वोट की ज़रूरत होती है, वहाँ की बजट, हर साल बजट टेबल होता है, फिर देखो आने वाले फरवरी में टेबल होगा, तो बजट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है। लेकिन सीएजी के ऑफिस में जो भी स्टाफ्स वगैरह, सैलरी अलाउंसेस और जो भी एक्सपेंस होते हैं इस ऑफिस के, जो खर्च होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिया जाता है। तो इसमें किसी भी जो है सरकार आए या जाए, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो सरकार की अगर विपक्ष में कोई फैसला सीएजी सुना रही हो, तो हो सकता अगर सरकार को यह अधिकार रहता कि नहीं सरकार ही इनको सैलरी वगैरह देगी, हो सकता है सरकार जो है इनकी सैलरी कट कर ले। अब इनकी सैलरी कट कर लेगी, इनके ऑफिस में जो स्टाफ रहेंगे उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, कौन काम करना चाहेगा। तो इसलिए ताकि इनकी स्वतंत्रता बरकरार रहे, यह प्रावधान किया गया कि इनकी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिया जाएगा, इज दैट क्लियर। आगे है नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द सी ए जी इन पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में हर किसी को प्रवेश करने और बोलने का अधिकार नहीं होता है, जो सिर्फ मेंबर होते हैं वही बोलते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ना, ये पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, अपने रिपोर्ट को ये रख सकते हैं। हाँ, वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट में सदन में खड़े होकर बोलते हैं, ठीक है, अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है ताकि इनकी रिपोर्ट में कोई हेर फेर ना हो, ऐसा नहीं कि हमने रिपोर्ट बना दिया, कोई मंत्री जी को दिया और मंत्री जी उसमें डाटा आंकड़े जो है हेर फेर करके प्रेजेंट कर दिए, नहीं। इसलिए ताकि इनकी रिपोर्ट एकदम निष्पक्ष रूप से जनता के समक्ष आए, इसलिए इस ऑफिस की निष्पक्षता और स्वच्छता बरकरार रहे, इसलिए ये पूरे के पूरे जो है सीजीए को कहा गया है, सीएजी को, कि कोई भी इनके बदले में कोई मंत्री वगैरह पार्लियामेंट में इनके रिपोर्ट को या फिर इनके जो भी चीज़ें वहाँ रखना होता है, टेबल करना होता है, वो नहीं कर सकता, सिर्फ इनके द्वारा ही यह किया जाएगा। एंड नो मिनिस्टर कैन कॉल अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम। और कोई भी मंत्री वगैरह, इनके द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है, कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो इन्हें ना रोक सकती है, ना ठोक सकती है, ना इन्हें कुछ कह सकती है, इज दैट क्लियर। सो पूरे के पूरे किस प्रकार से इन छह बिंदुओं के द्वारा हमने पढ़ा कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस को किस प्रकार से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है, और संविधान के अंतर्गत ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं, इज दैट क्लियर। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.